आज करूंगा, कल करूंगा, ऐसे करते करते कई दिन महीने और साल निकलते जा रहे हैं, फिर भी आप हाथ पे हाथ धरे बैठे हो। कुछ करना तो चाह रहे हो मगर हो नहीं पा रहा है। क्यों दोस्त, तेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है ना। तेरे सपने तो बड़े बड़े हैं, तुझमें उन्हें पूरा करने की चाहत भी है, पूरा कर भी सकते हो, मगर मोबाइल, लड़की और सोशल मीडिया जैसे डिस्ट्रैक्शंस तुम्हारी आंखों पर धूल झोंक रहे हैं और तुम और तुम्हारे सपनों के बीच दीवार बन के खड़े हो रहे हैं। अगर तुम्हें इस दीवार को पार करके सपनों की उड़ान भरनी है तो इस वीडियो को बगैर एक सेकंड भी स्किप किए पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हें कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिससे तुम्हारी कई महीनों से चलती आ रही समस्या मात्र 21 दिनों में ही समाप्त हो जाएगी और तुम सभी को पीछे छोड़कर अपना सपना पूरा करने की दौड़ में आगे निकल जाओगे। आप सोच रहे होंगे 21 दिन ही क्यों, 25 दिन भी तो ले सकते हो, 30 दिन ले लो या 20 दिन ले लो, राउंड फिगर में बात करो ना। दोस्तों ऐसा है कि 1950 के दशक में मैक्सवेल माल्ट्स नाम का एक लेखक था जिसने अपनी किताब में 21 दिन की साइकोलॉजी एक्सप्लेन की थी। उस एक्सप्लेनेशन का सार था कि 21 दिन ही वो टाइमलाइन है जिस टाइमलाइन में तुम अपनी आदत बदल सकते हो और दुनिया भर के डिस्ट्रैक्शन में फंसे इंसान से खुद एक अट्रैक्टिव इंसान बन सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहला टास्क है नंबर 5, डिस्ट्रैक्शंस को अलविदा कह दो। दोस्तों 21 दिन का यह टाइम पीरियड आपके लिए सिर्फ एक टास्क ही नहीं है, ये एक जंग है जिसे जीतने के लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है कि सभी डिस्ट्रैक्शंस को टाटा गुड बाय कह देना है। मोबाइल का यूज बिल्कुल कम करना है। कम से मेरा मतलब है आप मोबाइल तभी यूज करोगे जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और उससे भी पहले आप एक काम करो, अपने मोबाइल से इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसी सभी तरह की सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दो ताकि बांस भी नहीं रहेगा और डिस्ट्रैक्ट करने वाली बांसुरी भी नहीं बजेगी। दोस्तों ये सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन ही है जिसने आपको सपनों की उड़ान भरने से रोक रखा है, आपको जकड़ रखा है। इस जकड़ से अगर बाहर निकलना है ना तो इस जकड़ को तोड़ना होगा। मानता हूँ कि ये आपके लिए आसान नहीं होगा, बार बार मोबाइल की ओर हाथ जाएगा, पर आपको आपके विल पावर के दम पर उसे जाने से रोकना है। बस 21 दिन उसे रोक के रखो और 21 दिन बाद रिजल्ट देखो। नंबर 4, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको हंसी आ रही होगी कि सपना पूरा करने के लिए सुबह 4 बजे उठने की क्या जरूरत है ना। इसी हंसी के साथ आपको यही सवाल स्टीव जॉब्स से पूछना चाहिए, क्योंकि जब तक वो जिंदा रहे वो इसी टाइम पर उठते थे। यही सवाल आपको दुनिया को योग और ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले गुरु और हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए, क्योंकि ये लोग भी इसी टाइम को द परफेक्ट टाइम ऑफ सक्सेस कहते हैं। 4 बजे उठने का मतलब यह नहीं है कि आप बहुत एक्टिव हो, इसका मतलब यह भी होता है कि आप अपने सपने, अपने गोल को अचीव करने की होड़ में फुल्ली फोकस्ड हो। सर्दी के दिनों में जब चद्दर से निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता तब भी अपनी विल पावर की क्षमता को जानकर वही इंसान उस टाइम पर उठ सकता है जिसकी जिद ज्वालामुखी के समान हो। खुद से वादा करो कि 21 दिन के इस सफर में आप किसी भी हालत में हर दिन सुबह 4 बजे उठोगे। नंबर 3, फिटनेस पर ध्यान दो। आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक इंसान था, उसका बचपन से एक सपना था कि एक दिन वो एक ऐसा मुकाम हासिल करेगा जहाँ उसे बैठे बैठे सब मिलेगा, वो फुल ऐसो आराम की जिंदगी जिएगा। वो अपने गोल को अचीव करने के प्रति फुल्ली डेडिकेटेड था। उसका डेडिकेशन लेवल इतना हाई था कि ना तो वो ठीक से सोता और ना ही ठीक से खाता था। उसने अपना सपना पूरा करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। वो सोचता था कि गोल अचीव करने के बाद तो यह सब करना ही है। अपने इसी डेडिकेशन, अपनी इसी खून पसीना एक कर देने वाली मेहनत के दम पर उसने वो मुकाम हासिल भी कर लिया। अब उसके पास वो सब कुछ था जिसे पाने के उसने सपने देखे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके एक सपने को पूरा करने की इतने सालों की मेहनत चंद मिनटों में ही चकनाचूर हो गई। उसे एक ऐसी बीमारी ने घेर लिया जिसका कोई भी इलाज नहीं था। उस टाइम उसे रियलाइज हुआ कि सपना पूरा करने के सफर में उसे अपने शरीर, अपनी हेल्थ पर जितना ध्यान देना चाहिए था उसने नहीं दिया, जिसका भुगतान उसे अभी इस तरह करना पड़ रहा है। कहने का मतलब बस यही है कि सपना पूरा करने में इतने भी व्यस्त मत हो जाओ कि जिस शरीर के लिए ये सब कर रहे हो उसी की हालत को इग्नोर कर दो। इन 21 दिनों में आपको हर दिन 4 बजे उठते ही कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन और आधा घंटा एक्सरसाइज करनी ही है। इस तरह दिन में कम से कम 1 घंटा अपनी बॉडी और ब्रेन को शार्प करने के लिए देना है। नंबर 2, एक अच्छी आदत डालो। सपना पूरा करने की सबसे बड़ी आदत के अलावा भी आपको एक छोटी सी अच्छी आदत डालनी है। आप दिन भर घर पे बैठे बैठे सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या ऑनलाइन गेम्स खेलने के आदि हो चुके हो तो आउटडोर गेम्स खेलने की आदत डालो। दिन भर रील्स देखने की, कॉमिक बुक्स पढ़ने की आदत है तो 21 दिन के इस सफर में आप रोज कम से कम 1 घंटा एक ऐसी बुक पढ़ोगे जिसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई नई स्किल सीखो। ऐसी आदत डालने से न केवल आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा बल्कि इसका आपके थिंकिंग पावर पर भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये आदतें आपको दिन भर एनर्जेटिक रहने में मदद करेंगी। 21 दिन बिना किसी एक्सक्यूजेस के आपको ये डेली करना है। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल। अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना ही प्रयास कर लो, साम दाम दंड भेद सभी का उपयोग कर लो, लेकिन जब तक आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तब तक आपके लिए कुछ भी अचीव करना ऑलमोस्ट इम्पोसिबल है। एक तरफ आप कुछ प्रोडक्टिव करना चाह रहे हो और दूसरी ओर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने पर आपका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है तो कैसे आप काम कर पाओगे और कैसे अपना गोल अचीव कर पाओगे। अपनी लगाम अपने हाथ में रखना सीखो।
मोबाइल जैसे डिस्ट्रैक्शन के हाथ में अगर आपकी लगाम होगी तो वो आपको ऐसे दौड़ाएगा कि आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। इन 21 दिनों में उन सभी चीजों से दूरी बना लो जो आपका कंट्रोल अपने हाथों में लेने का प्रयास करती है। देखो 21 दिन में आदत डालने की साइकोलॉजी को दुनिया के ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट इनकार करते हैं। इसे प्रूव करने के लिए उन लोगों ने कई स्टडीज भी कंडक्ट की जिनका रिजल्ट आश्चर्यजनक था। स्टडीज में पाया गया कि एक आदत डालने या बिगाड़ने के लिए कम से कम 60 दिन लगते हैं। लेकिन आप ये सब सुनकर डिमोटिवेट मत हो जाना दोस्तों। आप अगर चाहो तो अपनी आदत 21 दिन में क्या 10 दिन के अंदर बदल सकते हो। जरूरत है तो बस अपनी विल पावर बढ़ाने की, और ये तभी हो पाएगा जब आपका सपना बड़ा होगा और उस सपने को पूरा करने की चाहत भी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको मिलते रहें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।